हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज मेरा साइट पे जाने का टाइम आ गया था और हम लोग रुके थे डॉर्मेट्री में। जैसे कि आप देख सकते हो, एकदम एक के ऊपर एक बेड थे, लगे हुए थे। एंड अभी 7 बजे का टाइम था। ये हम लोग आ गए थे सूरत, एंड यहाँ बस स्टेशन था। आप देख सकते हो पूरे ऑटो एंड बसेस तो सुबह सुबह मतलब हॉकिंग करना चालू कर दिए थे। फिर हम लोग बिल बिल करके सब जल्दी जल्दी निकल गए थे। फिर ट्रेन पकड़ना था, बिकॉज ट्रेन ही जाती है वहाँ पर फास्टेस्ट। तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, लिटरली लाइक अंदर जाने का मौका नहीं मिला था। कैसे तो हम लोग अंदर चले गए, फिर हम लोग निकल चुके थे अपने सफ़र की ओर। और यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, आप देख सकते हो, एंड अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि यू नो बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। एंड जस्ट हम लोग ट्रैवल करके, 2 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग साइड पे पहुँच गए थे। और ये आप देख सकते हो, जस्ट मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर से जहाँ से हम लोग रोड क्रॉस मतलब बेसिकली ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे भरूच। और भरूच में पहुंचने के बाद ये देख सकते हो लिखा है वेलकम टू भरूच रेलवे स्टेशन। एंड अब यहाँ से हम लोग को निकलना था साइट की ओर। तो मैं और सर तो बस यहाँ पे चाय पी रहे थे, और उसके बाद सोचा कि चलो चाय पी के फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी तो अर्ली मॉर्निंग आ गए तो कुछ खाने का मौका वैसे मिला नहीं था। तो चाय पी के बस अब हम लोग निकलने वाले थे, और ये था वो भरूच का रेलवे स्टेशन। एंड मैं पी रहा था चाय, फिर हम लोग सर से मिले जो कि लैंडलॉर्ड थे हमारे। एंड वो कुछ कुछ तो बातें बता रहे थे राइट, कि कैसा है साइट, क्या है बाकी चीज़ें, वो हम लोग के साथ डिस्कस कर रहे थे। एंड सर से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यू नो सर भी बहुत सारा चीज़ हमें बता रहे थे, कौन से ब्रांड्स को आप लेके आ सकते हो, किस ब्रांड से बात कर सकते हो, एंड बाकी सारी डिटेल्स भी सर हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर हमारे अनिल सर भी वहाँ पे थे, तो उनसे भी बातें बातें हुई। तो सर का बहुत ज़्यादा डिस्कशन चला उन सारे पॉइंट्स को लेके। फिर हम लोग वहाँ से प्लान करते कि कैसे क्या निकलेंगे, क्या करेंगे, फिर वही सारा बातचीत हो रहा था। और थोड़ी देर में वही सेम प्लान बना कि चलो निकलते हैं। तो मैं बस उनकी बातें बातें सुना, फिर हम लोग निकल गए थे एक फूड कोर्ट की तरफ, जो कि वहाँ हम लोग फर्स्ट जो फूड कोर्ट का साइड देखने आए थे वो है अंतरिम, जो कि बहुत से लोगों को पता होगा ये अंतरिम का फूड कोर्ट था। और यहाँ पर सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे पास क्या प्लस पॉइंट है और यहाँ पर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। एंड देन हम लोगों ने अंदर जाके देखा कौन कौन सा ब्रांड है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ गुजराती खाने का भी पूरा लगा हुआ था, यू नो बुफे काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हो। तो ये अलग अलग वैरायटी के सारे खाने लगे हुए थे, और सर एक्सप्लेन कर रहे थे ये क्या है। तो मैंने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ढोकला एंड ये सारी चीज़ें देखी, सैंडविच एंड एक्स वाई जेड सब कुछ। तो सर भी यहाँ बता रहे थे कि ये है, तो ये स्वराष्ट्र यू नो फरसान है। फिर वहाँ से हम लोग अपने साइट की तरफ निकल गए, तो ये पहुँच गए थे हम लोग अपने साइट पर, जो कि वन ऑफ अ वेरी बिगेस्ट फूड कोर्ट बनने वाला है गुजरात में। एंड बस यहाँ पे पहुँच चुके थे। एंड ये देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपने कार के खिड़की से। फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस, एंड इट विल बिकम अ वेरी बिग साइट फॉर यू नो आर अपकमिंग थिंग्स। तो साइट वाइट विजिट करके बस पहुँचने वाले थे, उससे पहले मैंने सोचा कि यू नो जो चीज़ें हैं एक बार मैं थोड़ा सा देख लूँगा, सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। वैसे भी तो साइट पहुँच चुके थे, एंड देन सारा कुछ मैं रिकॉर्ड करना चालू कर दिया था, बिकॉज यू नो वी नीड टू शो द साइट कि कैसा है क्या है। तो ये था वो साइट जो हम लोगों ने लिया है, एंड वेरी सून इट विल बिकम अ वेरी बिग फूड कोर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड बहुत ही अच्छा फूड डेस्टिनेशन होने वाला है आने वाले टाइम पे लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ था, यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रीनरी थी, मौसम बना हुआ था अच्छा खासा बारिश का, अच्छा वह कार था हमारे पास तो हम लोग उतना टेंशन ले नहीं रहे थे। तो ये था फूड कोर्ट उस टाइम पे। एंड देन मैं और सर हम लोग अंदर चलने के लिए रेडी हो गए थे राइट। तो सर ने बोला था वीडियो वीडियो बना लो, आपको बनाना होगा। तो ये पूरा बाहर का पूरा डेकोरेशन जैसा भी था वो फूड कोर्ट का वो था। ये अंदर से देख सकते हो आप कितना ही प्रीमियम, मतलब बहुत ही अल्ट्रा लेवल का प्रीमियम बनने वाला है। ये 2 गेट थे सामने, एंड ह्यूज 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 फूड कोर्ट विथ अमेजिंग काउंटर्स, एंड प्रीमियम बहुत ही प्रीमियम लेवल पे फूड कोर्ट बनने वाला है। तो फिर हम लोग बाहर गए थे, ये सारी चीज़ों को कुछ चीज़ें थी उसको एक बार देखने। एंड देन सर के साथ अगेन हम लोग अंदर आए, फिर लाइटिंग वाइटिंग का सारा कुछ सर समझा रहे थे कि कैसा लाइटिंग होने वाला है, क्या होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें देखी। एंड ये देख सकते हो आप डिफरेंट अवेलेबल काउंटर्स थे, ये पूरी एसी की डक्टिंग भी लग चुकी थी राइट, फुल्ली एयर कंडीशन फूड कोर्ट है। एंड अभी जस्ट हम लोग सारा कुछ डिस्कस भी करते हो, तो सर बता रहे थे ये जो वॉल है ये लाइट से भी मतलब इल्यूमिनेटेड है, मतलब लाइट भी जलेंगे इसमें। तो ये काउंटर ऐसा दिखता है, आप सब देखे होंगे मॉल में, तो वो था। और यहाँ पे एक ब्रांड आ रहा जो कि प्योरली यू नो आप बोल सकते हो कि पूरा गुजराती क्विजीन का ब्रांड है राइट। तो ये वो था ब्रांड, आप देख सकते हो। और ये पूरा काम चालू था, छत वत का काम चालू उनका चल रहा था, तो हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब ऐसा किया नहीं, क्योंकि क्या कर रहे हैं यार, है ना। तो फिर वही सारा चीज़ हम लोगों ने डिटेल में देखा। फिर सर की टीम आ गई थी, एंड देन सर की टीम से हम लोग मिले। एंड बाकी चीज़ों को भी मैं नोट डाउन कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, क्या नहीं, कौन सी सारी चीज़ें होने वाली हैं। फिर मैं गया था वॉशरूम देखने, एंड फिर वहाँ सोचा कि चलो एक इंट्री का हम लोग वीडियो बनाते हैं।
तो ऐसा यहाँ से दिखता है। एंड 280 के आसपास पूरी सीटिंग होने वाली है। एंड सर सारा कुछ मैपिंग वैपिंग कर रहे थे कैसा क्या होने वाला है। एंड देन फिर मैं उनके एक टीम मेंबर के साथ ऊपर भी देखने गया था कि यू नो वहाँ के जो स्टाफ हैं उनके लिए कैसा सब कुछ क्या प्रिपेयर हो रहा। तो ये भी स्टाफ का सारा वॉशरूम था तो वो हम लोग देख रहे थे। अभी सब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उनके जो पार्टनर थे उन्होंने मुझे सारा साइट वाइट दिखाया, सब कुछ हम लोग देख रहे थे। वो फिर रूम्स भी दिखवाने ले गए थे तो रूम्स भी हम लोग ने देखा। तो बेसिकली मैं ही देख रहा था तो सारा कुछ वो बता रहे थे कि इस लेवल का ये कर रहे हैं। बेसिकली ये होटल होने वाला था बट फिर उसको करके स्टाफ के लिए कर दिया गया। राइट, अभी मैं हम लोग टेरेस पे चले गए थे ना, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लगता है टेरेस। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ टेरेस पे भी हम लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या ग्रीनरी है गाइस, देखो मतलब अमेजिंग ग्रीनरी थी वहाँ पे। और सर भी बता रहे थे कि बाद में यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं, मतलब यू नो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। ये जो आप देख रहे हो लैंड पार्सल, इसमें हम लोग प्लान करें इन फ्यूचर में यू नो डोमिनोज या फिर कोई एक बड़े ब्रांड को लेके आने के लिए। फिर वही सारा काम खत्म हुआ, हम लोग निकल गए थे, रात हो गया था। तो फिर हम लोग रेल अपने स्टेशन के लिए निकल गए थे और अभी बज रहे हैं रात के 8। एंड देन मैं सर के साथ यहाँ बैठा हुआ था और अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था तो ऐसा था कुछ। एंड ज़्यादा तो अभी कुछ खावा के हम लोग बैठ चुके थे एंड मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था, सामने सारी चीज़ें देख रहा था। और ये जा रही थी मालगाड़ी और मालगाड़ी देखते देखते फिर हम लोग का टाइम हो गया था। और फिर हम लोग पहुँच गए थे अहमदाबाद। फिर वहाँ पर हम लोग एक मॉल पर जाके मॉल के वहाँ पर हम लोगों ने बर्गर किंग में बर्गर खाया। फिर रेस्ट करने का टाइम मिला तो गाइस हम लोग चले गए थे रूम पे रेस्ट करने। एंड देन बर्गर किंग का बर्गर ले लिया, खा लिया एंड रूम पे निकल गए थे। बस आज का यही स्टोरी था गाइस एंड ये वहाँ का वेन्यू था। एंड फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।